मैं प्रीत तिवारी एलपी ब्यूटी में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ सिंपल सूट की कटिंग कैसे करें, गोल गले वाले सूट की। और जो आगे सूट में वर्क रहता है तो कई बार हम लोग को समझ में नहीं आता, हम लोग इस तरीके से कटिंग कर देते हैं कि कपड़ा वेस्ट हो जाता है। तो जिस तरीके से मैं बताऊँगी, इस तरीके से आप कटिंग करोगे तो आपका कपड़ा भी काफ़ी बच जाएगा और अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। सूट की कटिंग बहुत फिनिशिंग आएगी और पूरा सूट की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताया हुआ है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो के नीचे में जो रेड कलर का बटन है उसको जरूर दबाइएगा ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड करो सबसे पहले आप उसको देख सकें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, अरे कहाँ गया ऐसे को तब आएगा, खड़ा होना पड़ेगा। अभी इस वाले वीडियो को हटा दीजिए। आज हम वर्क वाले सूट की कटिंग कर रहे हैं। वर्क वाले सूट की कटिंग करने के लिए दोनों पल्ला हम लोग को अलग अलग कर लेना, जैसे कि मैंने ये पीछे का पल्ला है और ये आगे का पल्ला। ओके, यहाँ से हम गले का निशान लेंगे। इसमें जैसा गला दिया हुआ है उसी तरीके से हमको कट करना है। हम इसमें कोई डिजाइन नहीं लगा सकते क्योंकि हमारा गले का डिजाइन दिया हुआ है यहाँ पे। ओके, यहाँ से हम 3 इंच गले के लिए ले रहे हैं और यहाँ से 3.5 इंच कंधा ले लेंगे। ओके, काफ़ी 6.5 इंच छाती का फिटिंग हमारा 40 इंच है तो उसका 4 हिस्सा करेंगे तो 10 आएगा आपका। ये हमारा 10 इंच फिटिंग हो गया। ये काफ़ी का गोलाई हो गया। काफ़ी का गोलाई देने के लिए 2 इंच पे लगाएंगे निशान। ओके, ये लंबे आदमी का साइज़ है तो हम इसका जो हमारा वो चाप का फिटिंग होता है वो हम 14 14.5 इंच पे लेंगे। ओके, हमारा छाती 40 है, पेट मतलब कमर भी हमारा 40 इंच है और हिप हमारा है 48 इंच है तो 12 इंच आपका फिटिंग है। ये हमारा तो फिटिंग है एकदम। ओके, अब हम इसे 1.5 इंच अधिक लेंगे सिलाई के लिए। 2 इंच ले रहे हैं यहाँ पे। हमारा कोई कपड़ा नहीं बच रहा है यहाँ पे तो हम बराबर कटिंग करेंगे। इस तरीके से कट कर लेना है। गले के लिए हम यहाँ से 3 इंच लिए हैं और जो हमारा लंबाई है उतना ले लेना है। इसमें इतना ही लंबाई दिया, आप इतना छोड़ के लेंगे क्योंकि जब आप सिलाई करेंगे तो ये कवर हो जाएगा और बराबर में आ जाएगा। ओके, ये हमारा आगे का गला हो गया। और याद रखिएगा जब आप ये वर्क वाले सूट की कटिंग करते हैं तो जो हमारा पाइपिंग है वो एकदम बराबर होना चाहिए। अगर नहीं हो पा रहा तो आप इसे पिन से इसको अटैच कर लीजिए ताकि सरके ना इधर उधर। अगर सरक जाएगा तो आपका सूट का डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। ओके, हमने लंबाई पूरा लिया हुआ है, जैसे कि मैंने बताया था कि लंबी औरत का साइज़ है तो लंबाई पूरा ले ली है। ये जितना हमारा इधर उधर है उसको छाट करके बराबर कर लेते हैं। ओके, आगे का पल्ला हमारा रेडी हो चुका है। इसी के अकॉर्डिंग हम पीछे का पल्ला तैयार करेंगे। पीछे के पल्ले के लिए ये हमारा कपड़ा है। ये जो लेस दिया हुआ है ये बाजू के लिए है। यहाँ पे हम दोनों लेस को ऐसे बराबर रख लेंगे। ये लेस को बराबर करके रख लिए हैं। ठीक है, अब हम पीछे का पल्ला जो आगे का पल्ला हमने निकाला था उसी को रख के निकाल लेंगे। ओके, देखिए किस तरीके से रख रहे हैं। हमें इसमें नीचे से कोई तो पाई सिलाई कुछ नहीं करना है क्योंकि हमें लेस दिया हुआ है, बस साइड सिलाई करनी है। ये बराबर हमने रख लिया है, अब इसको कट करके बस निकाल लेना है। ओके, मैं निकाल के दिखा देती हूँ आप लोगों को।
इसकी कटिंग हो गई है। ये देखो ऊपर गला है, निशान लगा हुआ है, दोनों पल्ला हमारा रेडी हो चुका है। अब हम पीछे की गले की निशान लगाएंगे और कटिंग करेंगे। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे वाले पल्ले को रख के हमने पीछे का पल्ला निकाला है। ये आगे के पल्ले को हटा देते हैं क्योंकि तीसरा गला हमने निकाल लिया है पीछे वाले के लिए। यहाँ पे हमने आगे वाले में 3 इंच लिया था तो इसमें भी 3 इंच ले लेंगे और लंबाई 8-10 इंच ले लेते हैं हम लोग। ओके गोल गला बनाना है, इस तरीके से गोल निशान लगा लिया हमने। अब इसको कट कर लेते हैं। गला पट्टी के लिए हम इससे गला पट्टी निकलेगा हमारा। अब हम बाजू निकाल रहे हैं। बाजू के लिए पहले हमको अपना काफी देख लेना, काफी का आपका चौड़ाई कितना है। ओके यहाँ से आप नापेंगे इस तरीके से, 9.5 इंच आपका कांखी का ये वाला चीज़ है तो आप यहाँ पे 9.5 इंच ले लेंगे। ओके जितना आपका ये चीज़ रहेगा उतना ही यहाँ पे लेना है खुले साइड से। ओके 9.5 था तो 9.5 हम लोग यहाँ पे ले लिए। अब इधर से सीधा 2 इंच पे निशान लगाएंगे और इसको इस तरीके से मिलाएंगे। ओके हमको 5 इंच लंबाई तैयार करना है। ठीक है तो 5 इंच हम यहाँ पे ले लेते हैं और 1.5 इंच हम इसकी तुरपाई और सिलाई के लिए ले रहे हैं। ओके और फिटिंग हमारा 7 इंच है तो हम यहाँ पे 8 इंच लेंगे। ये हमारा बाजू का निशान हो गया। ओके इसको कट कर लेते हैं हम। इस तरीके से कट करेंगे तो जो हम 1/2 इंच कट करके गुलाई लगाते हैं वो नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि हमने पहले ही ज़्यादा गुलाई दे दी है इसमें। इसको यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। देखिए एकदम बराबर आ रहा है हमारा बाजू का। ओके अब हम लोग गला पट्टी निकालेंगे। आगे पीछे का पल्ला और बाजू हमारा रेडी हो गया तो गला पट्टी अब निकालते हैं। गला पट्टी के लिए हमको ये चाहिए, ये हमारा बाजू का है, बाद में हमको इसको लगाना है। ओके गला पट्टी के लिए इस तरीके से कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। ये आगे वाला गला है इसको इस तरीके से रख के ये हमारा आगे का गला पट्टी हो गया। इसी तरीके से हम पीछे का गला पट्टी निकाल लेंगे। अगर आपका कपड़ा कम हो तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं जैसे कि मैं निकाल दूँ, हमारा भी कपड़ा कम है। ओके कुछ भी ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछिएगा। हमारा सूट का कटिंग पूरा रेडी हो गया, ये पूरा सूट कट हो गया, चेक हो गया। अब इसकी स्टिचिंग करके दिखाएंगे आपको। लगा रहे हैं सूट का गला पट्टी के लिए आपको ये साइड वाले हिस्से को पहले सिल लेना है। ओके गला पट्टी के इससे क्या होगा हमारी सिलाई फिनिशिंग बैठती है। अगर पहले आप इसको नहीं सिलते हैं तो आपको गला पट्टी बैठाने में दिक्कत होगी, इसलिए इसको पहले सिल लेना है आपको। ये सिलने के बाद से इस तरीके का हो जाएगा। ठीक है अब हम गला पट्टी ज्वाइंट करेंगे। बिना सिले आप ज्वाइंट करेंगे तो आपको तुरपाई बैठाने में या फिर सिलाई करने में बहुत दिक्कत आएगी, इसलिए पहले आपको गला पट्टी को इस तरीके से सिल लेना है। अब हम गला पट्टी बैठाते हैं इसका।
इस तरीके से गले पे रख के इसको ये सिलाई हो जाने के बाद में जो हमारा ये वाला सिलाई है यहाँ तक आप हमेशा कट कर लीजिए। इससे क्या होता है कि गला अच्छे से बैठेगा, फिनिशिंग आएगा एकदम, इसलिए इसको कट कर लिया जाता है। नहीं कट करेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है बैठाने में, और कट करने से बहुत अच्छा बैठ जाता है हमारा। सिलाई के बाहर कट नहीं होना चाहिए, अंदर ही अंदर कट होना चाहिए। अब हम ऊपर से एक सिलाई चला लेते हैं इस पर ताकि फिनिशिंग बैठ जाए। गला पट्टी हमारा इस तरीके से आपको कोर पे सिलाई चलाना है। ओके, गला बैठ गया यहाँ पे, ये हमारा गला बैठ गया है अच्छे से। ओके, अब हम पीछे का गला पट्टी इसी तरीके से लगाएंगे। गले पट्टी का पहले साइड वाला हम सिलाई करेंगे, ये वाला अंदर वाला नहीं करना है, बाहर वाला करना है। ओके, इस तरीके से इधर वाला करना है। जैसे हमने आगे वाले का सिलाई किया था वैसे ही हम पीछे वाले का सिलाई कर ले रहे हैं। ऊपर ये देखिए हमने पीछे का गला ऐसे बैठा दिया, गला पट्टी इस तरीके से आपको भी लगाना है। अब हम कंधा ज्वाइंट करेंगे। ओके, कंधा ज्वाइंट करने के लिए हमको ये गला पट्टी इस तरीके से नहीं रखना है। ओके, इसको आगे निकालेंगे ताकि हम जब तुरपाई करेंगे तो हमारा सिलाई फिनिशिंग दिखेगा। ओके, इस तरीके से लेना, हमको यहाँ से एक इंच लेना है और इधर में हाफ इंच ऐसे सिलाई करना है। सिलाई करके मैं दिखाती हूँ आपको, अंधेरा हो रहा है। इस तरीके से हमको सिलाई करनी है। ये देखिए इस तरीके से सिलाई गया है। ओके, अब हम इसका बाजू लगाएंगे। बाजू के लिए पहले हम बाजू के आगे में लेस लगा लेते हैं। बाजू पे लेस चढ़ाने के लिए हमको इस चीज़ को अंदर की तरफ से मोड़ने या सिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इसको ऊपर की तरफ मोड़ दीजिए जितना इंच पे आपको बाजू तैयार करना है, और लेस को जैसे हमको इसको एक इंच छोटा करना है तो एक इंच ऐसे अंदर रख के और लेस को डायरेक्टली ऐसे सिलाई कर लेंगे। देख सकते हैं इस तरीके से रखना है और इसको लेस को इसके ऊपर रख देना है। ऐसे क्या होगा, जल्दी बन जाएगा। इस तरीके से आप सिलेंगे तो ये आपका पीछे का भी फिनिशिंग दिखाई देगा और आगे का भी अच्छा से। ओके, और जो हम लोग तुरपाई या सिलाई करते हैं वो अच्छा नहीं दिखता है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट बाजू को, मतलब दूसरे बाजू को भी तैयार कर लेते हैं। ओके, दूसरे बाजू पे लेस लगाने के लिए हमको ये जो कांखी का हिस्सा होता है इसको नाप लेना है। देखिए यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ से आपको फोल्ड करना है और फिर लेस लगाना है। ओके, ताकि हमारा ये चीज़ बराबर रहे। ठीक है, अब हम लेस लगाएंगे। बाजू लगाने के लिए जो हमारा छोटा बड़ा अगर होगा कंधा में तो इसको पहले छाट लेंगे आप। ओके, फिर जो आपका बाजू है इसको हाफ हाफ करेंगे और यहाँ पे रखेंगे और नापेंगे पहले।
जितना आपका आएगा उतना ही लेंगे। वैसे हमारा तो बराबर आ जा रहा है, तो अगर छोटा बड़ा होगा तो आपको थोड़ा सा ऐसे सरका के सिलाई करना। ओके ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे इतना छोटा बड़ा करके करना है, लेकिन हमारा बराबर है तो हम लोग ऐसे बराबर ले ले रहे हैं। ओके आप सिलाई करना शुरू करेंगे। ये देखिए एकदम हमारा बराबर सिलाई आया है बाजू का, इस तरीके से बाजू लगा हमारा। ठीक है, अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट बाजू को भी स्टिच करेंगे। सूट की फिटिंग का निशान लगाने के लिए इस तरीके से अगर आप फिटिंग का निशान लगाएंगे तो आपका फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगा और बिगड़ेगा नहीं सूट का फिटिंग, या फिर सूट तिरछा नहीं जाएगा। तो हमारा 7 इंच बाजू का फिटिंग था, हम लोग यहाँ पे 7 इंच ले ले रहे हैं। ओके और छाती था हमारा 40 इंच, तो 20 इंच हम इधर छाती में लगाएंगे। ये देखिए 20 इंच है, तो 20 इंच पे यहाँ पे लगा ले रहे हैं हमारा पेट भी। फिर यहाँ से आप 14 इंच पे निशान लगा लेंगे, जो हमने कमर का फिटिंग करना था, और 14 इंच पे जो हमारा हिप का फिटिंग है। ओके वो फिर हमारा कमर भी 20 इंच मतलब 40 इंच था, तो 20 इंच पे निशान लगाएंगे। दोनों साइड सेम कपड़ा छूटा होना चाहिए, जैसे इधर आप 1.5 इंच छोड़ें तो उधर भी 1.5 इंच होना चाहिए। ओके और ये हमारा हिप था, तो यहाँ पे 22 इंच पे निशान लगा लिया। ओके और कमर 20 इंच और छाती 20 इंच, सबको मिक्स कर लेना है। इस तरीके से हमको निशान लगा लेना है फिटिंग का, और जो निशान लगाए हैं उसी पे एकदम सिलाई चलाना है, तो आपका एकदम परफेक्ट फिटिंग आएगा। ओके चलिए हम सिलाई करके दिखा देते हैं आपको, ध्यान से देखिएगा। ये निशान लगाए हम, इसी को सिलना है, ये बाजू से लेके कमर तक दोनों साइड से। ओके इस तरीके से आपको फिटिंग देना है। डबल सिलाई कर देंगे हम, साइड का फिटिंग कर लेते हैं। बाजू पे लॉक देना, बाजू पे लॉक लगाना बहुत ज़रूरी है। ओके नहीं तो बाद में खुल जाएगा सिलाई, इस तरीके से लॉक लगते हैं। और जो हमारा चाप सिलाई होता है यहाँ पे भी लॉक लगाना बहुत ज़रूरी है। ओके क्योंकि यहाँ पे सिलाई खुलने का डर बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए लॉक दोनों साइड लगाना है। ओके बाजू पे और चाप सिलाई पे लॉक जरूर दीजिएगा, इसके पास फिर हम इसे भी डबल सिलाई कर दें। चाप सिलाई बैठाने के लिए आपको यहाँ से इसको पहले फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। ओके और इसको सिलाई करते हुए ऊपर ले जाना है। ओके Thank you.
अब ये जो हमारा आ गया यहाँ पे चाप चाप, इसको ऐसे रख के ध्यान से देखिएगा इस तरीके से फोल्ड करने हैं ऐसे। ओके, इधर से हम सिलते हुए लाए थे, अब यहाँ पे ऐसे सीधा सिलाई चला देना। ओके, और फिर नीचे की तरफ ऐसे मोड़ के इस तरीके से बैठा लिया हमने यहाँ पे सीधा सिलाई चला के, ये देखिए। ओके, अब इस तरीके से सीधा ले आएंगे हम यहाँ पे। आई होप आप लोग को दिख रहा हो सिलाई मेरा। ओके, अब इधर का भी हम सिल लेते हैं। इसी तरीके से हम दूसरे साइड का चाप बैठाएंगे। चाप बैठाने के लिए उधर से हम सिलते हुए ले आए हैं, और यहाँ पे इस तरीके से रख के जितना फोल्ड करना है आपको, जितना इसकी चौड़ाई रखनी है उतना रख के, और ऐसे सीधा सिलाई चलाएंगे। ओके, सीधा सिलाई हो गया। अब हमको इस तरीके से नीचे की तरफ दोबारा मोड़ लेना है। इसका चौड़ाई, इस चीज़ का चौड़ाई, हमको इसका जितना आपका पीछे का चौड़ाई है ये, उतना ही आगे का होना चाहिए, तो सूट तिरछा भागने लग जाएगा। ओके, तो आप पहले इसको माप लीजिए ऐसे। इस तरीके से, ओके, अब इतने आ रहे हैं हमारे यहाँ पे, इसको यहाँ पे पकड़ लेंगे और इतना ही फोल्ड करना है, ज़्यादा फोल्ड नहीं करना हमको। इस तरीके से, अब फिर हम सिलाई चला लेते हैं इसकी। ये देखिए हमारा सूट पूरा कंप्लीट रेडी हो चुका है, फिनिशिंग सिलाई आया है पूरा, गले का, बाजू का, सबका। आई होप आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, और कुछ भी ना समझ में आता कमेंट बॉक्स के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया वीडियो लेके, नई कोई जानकारी लेके। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।